उधर जंतर मंतर पे शांति भूषण जी ने क्या कहा है, मीडिया पर किस तरह से निशाना साधा है टीम अन्ना ने, वो सुनिए। देखिए, जो लोग मीडिया के यहां पर हैं उनका कसूर नहीं है, क्योंकि वो तो हर वक्त पूरी चीज भेजते रहते हैं। कसूर उनका है जो चैनल के मालिक हैं, वो वहां पे क्या दिखाते हैं वो उनके हाथ में है। इसलिए जो यहां पर मीडिया के लोग हैं उनकी जरा भी गलती नहीं है, उनके ऊपर गुस्सा मत होइए। गुस्सा होइए जो चैनल के मालिक हैं, जो उसको चलाते हैं, और वो क्या दिखाते हैं। वो अगर ऐसा झूठ दिखाते हैं तो उस चैनल को देखना आपको बंद करना पड़ेगा। जो अखबार ये झूठ छापता है उस अखबार को लेना आपको बंद करना पड़ेगा। जनता में बहुत शक्ति है और उस शक्ति से आप इस देश का भविष्य बदलने वाले हैं, इसमें मुझे जरा भी संशय नहीं। सुना आपने शांति भूषण जी वहां बोल रहे थे टीम अन्ना के समर्थकों को कि वहां जो मीडिया कर्मी मौजूद हैं उन पर गुस्सा मत उतारिए। वो इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि वहां गुस्सा उतारा जा रहा था, इस तरीके से वहां कुछ धक्का मुक्की सी हो रही थी जैसा तस्वीरों में दिख रहा है, बदसुलूकी हुई है मीडिया कर्मियों से। टीम अन्ना के कुमार विश्वास इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार जी, ये मीडिया कर्मियों से ही वहां बदसुलूकी हो रही है और फिर शांति भूषण जी ये कह रहे हैं कि इनके साथ ना करिए, इनके मालिकों का दोष है। देखिए, जिस समय ये प्रसंग हुआ था उस समय मैं आप ही के चैनल पर लाइव था और पीछे मैं समर्थकों से बातचीत कुछ कर रहा था, उसके बाद लौटा। दरअसल इस आंदोलन के शुरुआती 3-4 दिनों से कुछ नए प्रश्न जनता के दिमाग में आए हैं। जब वो देखते हैं कि एक आदमी जो भूख लेकर बैठा है, एक ऐसा प्रतिभावान नौजवान जो IIT से निकला है, जो भारत की सर्वोच्च परीक्षा पास करके आया है, नौकरी छोड़कर वो लड़ रहा है, और उस पूरे समारोह के लिए, उस जद्दोजहद के लिए अन्ना का शो फ्लॉप, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि हम तटस्थ हो जाएंगे, तो जनता के बीच ये सवाल आए हैं, पब्लिक डोमेन में सवाल आए हैं। मैं शांति भूषण जी के बयान से कि उनको इस तरह की भाषा में जो बोलना, खुद को डिस एसोसिएट करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि शांति भूषण जी ने जो वो बोला वो वहां उस समय बोलने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दिन में लगभग मैं संचालन करता हूं, दिन में एक दर्जन बार मैं मीडिया के कैमरा पर्सन के लिए, टेक्नीशियन के लिए, एकूस्टिक्स वालों के लिए तालियां उठवाता हूं, कहता हूं ये सिपाही सालार हैं इस जंग के। लेकिन पहले 3-4 दिन में जो कुछ हुआ है उससे आम जनता के बीच कुछ सवाल उठे हैं। जब शो जैसा और मंडली फ्लॉप जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए तो जनता को लगता है कोई फिल्म नहीं है, कि आप इसकी समीक्षा कर दीजिए कि ये वाली फिल्म चल गई कि नहीं चल गई। ये देश से भ्रष्टाचार हटाने के लिए देश के आम आदमी का आंदोलन। कुमार जी, आप कह रहे हैं कि आप जो शांति भूषण जी ने कहा उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते, उससे आप अपने आप को अलग रखते हैं, लेकिन शांति भूषण जी की तात्कालिकता से अपने आप को अलग रखता हूँ। शांति भूषण जी का प्रश्न बहुत जायज है कि मीडिया समूह जो हैं, जो कॉरपोरेट हैं, उनके या तो हित जुड़े हुए या ऐसा क्या कारण हुआ कि अचानक भाषा इतनी आक्रामक और इतनी मर्यादाहीन हो गई कि आप शो जैसा शब्द बोलते हैं। एक 75 साल के आदमी की 45 वर्ष की सामाजिक जीवन का, सामाजिक सेवा का ये प्रतिफल मिलता है। नहीं मतलब, नहीं कुमार जी, सिर्फ ये बताइए कि मीडिया जब आपकी तारीफ करे, जब आपके समर्थन में ही दिखे, जब अच्छी अच्छी बातें करे तब ठीक है, जब सवाल उठाए, जब आक्रामक टिप्पणी सरकार के खिलाफ करे तब तक ठीक है, आक्रामक टिप्पणी टीम अन्ना के खिलाफ करे तो आप इसको जायज ठहरा रहे हैं, वहां पर बदसुलूकी हो जाए मीडिया कर्मियों से। मैं बिल्कुल इसको जायज नहीं ठहरा रहा। आप मेरे आपके जो मित्र वहां पर, जो ABP न्यूज के वहां वो लोग मौजूद है, उनसे पूछिए कि मैं दिन में लगभग 10-12 बार जनता से आभार प्रकट कराता हूँ, मीडिया का हाथ उठवाता हूँ, तालियां बजवाता हूँ और कहता हूँ कि इस जो हमारा महाभारत चल रहा है इसके संजय हैं, जो धृतराष्ट्रों के घर तक ये बात पहुंचा रहे हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, उनकी तात्कालिकता से मैं डिसोसिएट करता हूँ। लेकिन मेरा मित्र ये भी कहना है कि प्रश्न उठाना जायज है, टिप्पणी करना जायज है, सवालों में और कटघरे में लाना बहुत जायज है, लेकिन एक जन आंदोलन जो देश के मौलिक भ्रष्टाचार के प्रश्न से जुड़ा हुआ है उसके लिए भाषाई सीमाएं कई बार अतिरंजित हो गई है। जब शो बोला गया है, अन्ना मंडली बोला गया है, अन्ना चौकड़ी बोला गया है, तो लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट आ गए हैं, ऐसा डोमेन में है। मैं शांति भूषण जी की उस बयान की तात्कालिकता से खुद को अलग करते हुए भी कह रहा हूं कि मीडिया के लिए भी यह प्रश्न है, और मुझे यह सूचना मिली है, मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी आपको बता रहा हूं, मेरे पास कई पत्रकारों के SMS सुरक्षित हैं जिन्होंने मुझसे कहा है कि हमको यह दबाव में कहलाया गया या हमसे यह कहलाया गया। आज सुबह ही बीट देखने वाले एक बड़े चैनल के पत्रकार ने मैंने पूछा कि तुम क्यों नजर नहीं आ रहे हो, उसने कहा साहब मुझको गाइडलाइन दे दी गई, ये बुलवाना है और ये मैं करूंगा नहीं, तो इसने मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट की बीट दे दो वो देख लूंगा, पर मैं वहां जाकर गलत रिपोर्टिंग्स नहीं करूंगा। तो ये विमर्श पब्लिक डोमेन में आना जरूरी है और इस पर
चर्चा होनी जरूरी है। हाँ, लेकिन शांति भूषण जी ने जिस तरह से उस बयान को रखा और जनता जिस तरह से उत्तेजित हुई, उससे मैं दोनों को डिसएसोसिएट करता हूँ। जनता को अपनी मर्यादा याद रखनी चाहिए। इस आंदोलन की शक्ति इसकी शालीनता है, इस आंदोलन की शक्ति इसका अहिंसक स्वरूप है, और इस आंदोलन की शक्ति ही जन सहभागिता है। मीडिया भी जनता है, ये भी हमारे ही घरों के लोग हैं, हमारे ही घरों से आए हुए लोग हैं। इस पर आपको भी विचार करना चाहिए।